फ्रिज के नीचे से कितना गंदा निकल रहा है, देख सकते हो। ओह माय गॉड। तो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज मैं सुबह उठी और सभी को फ़ोन लगा दी कि क्योंकि क्या है ना, मुझे मैं घर को सिस्टम में लेकर नहीं आ पा रही थी। आ जाइए। आप 1 बजे बोले थे ना? 1 के पहले तो आपने क्या बोला? हाँ, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ, दूसरी जगह जा रहा था। कोई बात नहीं, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। लेकिन लेट हो गया, आप बोले मैं एक्चुअली क्या है ना, अभी फ्रिज का भी मैं सर्विसिंग कर रही हूँ, एसी का भी करवा रही हूँ। और आप बोले होते 1 के बाद आओ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। जितने दिन आते हैं मतलब आप कहीं जाना है तो ठीक। गाइस, अभी वॉशिंग मशीन का भी आज हो रहा है, एसी का भी आज ही। कौन सा एसी? हाँ, एसी स्टार्ट कर दीजिए। कपड़ा धुल गया। अच्छा, एसी तब से ऑन ही है, ये बंद कर देना चाहिए था ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, विंडोज खुला हुआ है। मेरे बेड का क्या हाल है? मेरे घर तक से तो एसी सर्विसिंग हो रहा है गाइस, आप देख सकते हो। रोड पे घर होने के कारण इतना दूर है। क्या नल में कौन से नल करूं? नल में लगाना पड़ेगा। नल भी नहीं आया, ये सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। मम्मी हेलो, 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 हेलो। तो गाइस, अभी मुझे डस्टबिन बाहर रखना पड़ा। एक्चुअली हमारे सोसाइटी का एक रूल्स है कि आप मतलब आफ्टरनून और मॉर्निंग में आप ये नहीं रख सकते हो। आपको सुबह जब वो आते हैं तभी आपको डस्टबिन घर से निकालना है और फिर आप उसे डंप के लिए दे सकते हो। लेकिन अभी क्या है ना, किचन में आप देख सकते हो वॉशिंग मशीन लग रहा है, एसी सर्विसिंग है, फिर लगे हाथ मैंने लगा कि चलो क्या कहते हैं, फ्रिज का भी सर्विसिंग करा देती हूँ। क्योंकि 4-5 साल से सब ले तो ली हूँ लेकिन सर्विसिंग कभी नहीं हुआ, तो मुझे लगा चलो एक बार सर्विस करवा देना ज़रूरी। तो मैं उठी मॉर्निंग में और मैंने सबको मतलब लगा दी फ़ोन कि चलो ठीक है, कोई फ्री रहा है तो आया, नहीं हुआ तो कल आएंगे। लेकिन लगाने के बाद सब एक ही टाइम पे सारे लोग आ गए और आज मेरे घर में जो मेड आती है उसका ऑफ है। ओ गॉड, मिलती हूँ बाद में। चला जाएगा क्या? यह हटाना पड़ेगा फ्रिज को। तो आप देख लो गाइस क्या हाल हो रखा है मेरा। सी बहुत बुरा हाल हो रखा है यार, मैं कैसे क्या क्या करूँगी समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, एक्चुअली मुझे घर जाना है, मैं सोच रही हूँ जाने से पहले मैं अपना पूरा घर को सिस्टम में लेकर आ जाऊँ, उसके बाद घर जाऊँ, इसीलिए सब करवा रही हूँ। बट मेरा काम ख़त्म ही नहीं हो पा रहा गाइस, क्या करूँ क्या करूँ मैं। सारा काम इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मुझे घर जाना है गाइस, और मुझे लगा घर जाने से पहले ये सारा काम मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद घर जाऊँ। लेकिन यार ये मतलब नवरात्रि के पहले की बात है, आई थिंक नवरात्रि से 10 दिन पहले से मैंने शुरू किया था फर्नीचर ऑर्डर देना और ये सारा चीज़ करना, और अभी नवरात्रि ख़त्म हुए 10 दिन हो गया। अब तो फिर कितना टाइम हो गया, लेकिन आप देख सकते हो घर में इतना काम ख़त्म ही नहीं हो रहा, और एक दो सामान आता है घर फिर से कचरा हो जाता है, फिर से उसका सारा चीज़ हटाओ, ये करो वो करो। और आज तो बाप रे इतना धूल मिट्टी होगा ना, बहुत धूल मिट्टी, मेरा सारा बेड ख़राब हो जाएगा, बेड शीट चेंज करना होगा और किचन ख़राब हो गया और काम वाली आ जाएगी नहीं। तो काम वाली का क्या है, उसका जॉब था तो वो नहीं आएगी ऑब्वियस। आपने देखा ना, दोनों काम करके बैठे हुए हैं।
मैं नहीं दूंगी। ओह माय गॉड, काम हो गया, पैसे के लिए बैठे हुए, बैठे रहने दो, मैं नहीं दे रही हूँ। कुछ बोल ही नहीं रहेगा ये, दोनों काम करके बैठ गए, सोच रही मैडम अब देगी अब देगी अब देगी। चलो दे देती हूँ यार, नहीं सबके लिए चाय बनाई हूँ तो चाय का वेट कर रहे हैं, पैसे के लिए, पैसे तो मिस पै। तो गए सारे लोग चले गए घर को, आप देख सकते हो तो मशीन इधर रखा हुआ है, फ्रिज भी हो गया और नल में ये फिट करके गए, तो ये सारा काम हो गया। तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बना लूँ क्योंकि 2:30 बज गए यार और अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, लेकिन चावल और दाल बन चुका है या मैं ये कट करके रखी हूँ। आलू ख़त्म हो गया था तो सिर्फ बैगन ही बचा है, तो मैं सोच रही हूँ इसे थोड़ा फ्राई कर लेती हूँ मसाले मसाले के साथ, और ये स्वीट पोटैटो बॉईल कर रही हूँ क्योंकि एनर्जी पूरा डाउन हो चुका है, तो पोटैटोस खाऊंगी तो थोड़ा एनर्जी मिलेगा, उसके कुछ देर बाद फिर मैं खाना खाऊंगी, फिर मैं नहाऊंगी बाल, आप देख सकते हो कितना तेल लगा हुआ है क्योंकि मुझे ऑफिस जाना पड़ा, तेल लगा हुआ है, आज मुझे हेयर वॉश भी करना है, मुझे पार्लर जाना था एक्चुअली हेयर कट के लिए, लेकिन आज टाइम बिल्कुल नहीं क्योंकि मुझे ऑफिस जाना बहुत अर्जेंट है और लेट ही हो गया है, तो फटाफट खाना बनाऊँगी फिर नहा कर फिर मैं ऑफिस के लिए निकलूँगी, और फिर चलो फिर मिलती हूँ जब मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ। आप सबको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी, आप पीछे देख रहे हो ये मेरा वॉशरूम है ठीक है, और वॉशरूम में आप मशीन देख रहे हो, वॉशिंग मशीन है, ये बहुत टाइम का नहीं है, 2.5-3 साल का, ये भी मतलब जब मैं शिफ्ट ही आ गई थी तो सारा सामान ले गई थी, तो ये 2.5-3 साल का, तो मैंने बोला कि भैया ये आप लेके चले जाओ, कितना आप दोगे, तो बोलते हैं 500 रुपये। अरे ये ख़राब तो है नहीं, कुछ है नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि ख़राब हुआ हो बंद पड़ा हो तो आप 500 रुपये दे रहे हो, तो बोले कि 500 रुपये, तो फिर मैंने बोला कि मैं 500 रुपये के लिए किसी को क्यों दूँ, उससे अच्छा है कि मेरे घर में जो मेड आती है उसे दे दूँगी ना, तो उसका यूज़ में भी आ जाएगा, 500 रुपये लेके मैं करूँगी क्या यार। अब एक चीज़ दिखाती हूँ। ऑलराइट गाइस, तो शाम के 6 बज रहे हैं और मैं ऑफिस बिल्कुल नहीं जा पाई क्योंकि 2:30-3 बजे वो लोग गए, उसके बाद आप देख सकते हो ये जो एसी साफ हुआ है ना, तो यहाँ पर पूरा डस्ट भरा हुआ था, पूरा मिट्टी भरा हुआ था, तो ये मैं अभी हटाई नहीं हूँ गाइस क्योंकि मुझे अभी ना बेड पे कुछ और भी काम करवाना है, इसलिए मैं इसे भी रिमूव नहीं की हूँ, कल या परसों वो लोग आएंगे तो काम अभी बाकी है। आप देखो बेडशीट मैंने पूरा अच्छे से साफ कर दिया है सी, और ये मेरा टॉवल क्योंकि अभी जस्ट मैं नहा कर ही निकली हूँ, और फिर मैं सोच रही थी कि हाँ मैं क्या बोल रही थी कि मुझे इसमें भी काम और करवाना है और गोदरेज में भी थोड़ा बहुत और काम करवाना है, थोड़ा डिज़ाइन वगैरह और ऐड करवाना है, तो वो बोले ठीक है मैं आकर कर दूँगा, इसलिए मैंने बेडशीट नहीं चेंज किया क्योंकि अभी 1-2 दिन में फिर से गंदा होना है। तो अभी मतलब उड़ते उड़ते मेरे पास न्यूज़ आया है कि सभी को कॉफ़ी चाहिए, तो मैं कॉफ़ी तो अभी नहीं बनाऊंगी, मैं बोले अभी कॉफ़ी नहीं बनाऊंगी, मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि मुझे चाय चाहिए, तो हम बोले कि चाय बनाती हूँ, सब साथ में मिलकर चाय पियेंगे, तो बोले ठीक है कॉफ़ी है चाय क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ मिल जाना चाहिए, तो चलो अभी मैं जाती हूँ चाय बनाती, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ चाय के साथ। चाय बन गया, प्याज नहीं था, टमाटर नहीं था, धनिया पत्ता नहीं था, हरा मिर्च नहीं था, तो ये लेकर क्या है, तो बाहर ये भी दिखा दूँ, ये अलग है, ये अलग बनेगा और ये अलग बनेगा, ये तो ग्रेवी अलग बनेगा और ये ड्राई फ्राई होगा, अब ये क्या है मैं नहीं बताऊँगी, बस पता नहीं कौन खाते कौन नहीं खाता है, दोनों के इसलिए मैं नहीं बोलूँगी, आना जाना लगा हुआ है, सब आएंगे जाएंगे तो आप तो ऐसे भी देख ही लोगे, तो चलो फिर सबके साथ चाय पी लेती हूँ।
तो मैंने प्याज छीलकर धोकर रेडी कर रखी हूँ। तो प्रॉपर रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ मुझे यहाँ पर करना चाहिए। मैंने देखो इसमें ऑयल तो डाल दिया है, अब थोड़ा खड़ा गरम मसाला, प्याज कट हो गया, अब मैं मसाला बना लेती हूँ। टमाटर मैं थोड़ा ग्राइंड करके ही डालती हूँ, तो अभी इसको यहाँ पर रखती हूँ क्योंकि इसमें प्याज भी जाएगा। ये अपना हो गया, इसमें क्या चाहते हैं थोड़ा सा निकालूंगी मैं, ऑयल को रिड्यूस करूँगी और मसाले में डालूँगी। तो अब हो गया फाइनली मेरा मसाला, दोनों हो जा रही है। तो अब सब फ्राई होगा। चलो ये फ्राई हो तो इसके बाद मैं मिलती हूँ गाइस आप सब। तो मेरा प्याज तो हो गया है, तो पहले ये मैं बना लूँगी और उसके बाद ही मैं मटन बनाऊँगी। तो ये हो गया, देखा पै सब कैसे बैठे रहते हैं, मेरा घर को सब अपना घर समझ लेते हैं, पता नहीं मैं तो परमिशन नहीं दी भैया। चलो पर तो ये मेरा फ्राई हो चुका है। तो गाइस एक चीज़ तो बन गया, अब मैं जा रही हूँ मटन बनाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाल भी भींगा हुआ है इसलिए मैं बाल बांध नहीं पा रही हूँ, और मुझे बाल कट कराना होगा, काफ़ी लंबा हो गया मेरा बाल से और बड़ा हो गया, तो उसे कट करा लेती क्योंकि ठंड का टाइम आ रहा है, तो बहुत ड्राई भी हो रहा है और मैं घर जाने वाली तो वहाँ पर तो पूछो मैं बहुत टूटने वाला है। इन्हें तो आप देख लो गाइस ये बन चुका है, और अभी मैं मटन जा रही हूँ फटाफट बनाने के लिए। तो मैं मटन बना लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे मिलती हूँ। बस एक बिल्कुल हो गया और मेरा मटन भी लगभग नहीं, अभी तो तैयार नहीं हुआ क्योंकि अभी मसाला सब डालना है, तो आदत तो हो चुका है। गाइस मुझे पुलाव बनाना है, तो आप देख सकते हो ये सारा गरम मसाला। गाइस ये मैंने घी डाल दिया, अब लो गाइस तो ये प्याज और ये भी डाल दी गरम, मतलब खड़ा गरम मसाला और प्याज डाल दी, मतलब थोड़ा सा इसे सौते करूँगी। फिर पुलाव वाला राइस रेडी है मेरा, भिंगो कर रख दी थी, 10 मिनट हो चुका है। इधर मेरा मटन रेडी हो गया, इसमें थोड़ा सा मैंने काजू डाल दिया। प्याज को ना गाइस बहुत ज़्यादा मतलब नहीं भूनते हैं, हाफ फ्राई करते हैं।
इसलिए ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करते, और आपसे अगर बात करते रहेंगे तो मेरा प्याज बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। तो आप देखो मैंने किशमिश भी डाल दिए हैं और कितना प्यारा लग रहा है ना लुक वाइज, और इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। चलो भी मिले बन जाता है उसके बाद में आप सबसे मिलते हो, आप मेरे पसीना देख सकते हो। तो ये बन गया, बंद हो जाओ। मैंने आटा भी गूंद रखा है, अब रोटी बनाऊंगी फटाफट। फाइनली हो चुका है यार खाना, ख़राब हो गया बनाने में। बहुत गर्मी है। तो गाइस देख लो रोटी भी मेरा बन गया, बस दो और बनाना। तो अब बहुत लेट हो चुका है, मैं सबको खाना खिला देती हूँ, मैं खुद भी खा लेती हूँ, उसके बाद फाइनली आप सबसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हाय। तो गाइस मैंने सोचा कि मैंने सबके लिए प्लेट लगाया है थोड़ा मेहनत करके, तो क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो मैंने ये प्रॉपर प्लेट लगा दी हूँ, अब जा रही हूँ सभी को खाना दे देती हूँ। जल्दी जितना जल्दी खाएंगे उतना जल्दी सारे लोग जाएंगे, क्योंकि मुझे भी अब आराम करने की ज़रूरत है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये मेरा प्लेट्स आप सबको कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी, नहीं अच्छा लगा तो भी प्लीज़ कॉमेंट्स ज़रूर करना जाए। चलो मैं सबको डिलीवर कर। ओके गाइस एक चीज़ मैं सोच रही थी आप सबको दिखाऊं कि कैसे बैठ के सब खाना खा रहे हैं, देखना चाहो लेकिन मैं नहीं खा रही यार, क्योंकि उन लोग को जाना था, वो लोग खाएंगे ना, मैं बहुत थक गई हूँ और थकने के बाद खाना नहीं खा पाता है। और अभी 11:30 ही हो रहा है तो मैं 12:30 तक खाना खाऊँगी। आप लोग देखना चाहोगे क्या, दिखाओ क्या। देखो इधर से मैं किचन आ गई, चलो दिख गया ना। अभी लोग 12:30 होने को आया है और मैंने भी खाना खा लिया, सारे लोग चले गए, मन नहीं लग रहा है, क्या करूँ। गाइस अगर आप लोग यहाँ तक मेरे वीडियो देखे तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स करो। गाइस आप लोग लाइक्स नहीं करते ना ही कमेंट्स करते, दिस नॉट फेयर, कर दो यार। तो चलो आज ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विच इज़ मलिका सिंह।